के इतना साल हो गया शादी का, 30-40 साल तो भी रोती है घर पे घर से जाने पर। रिकॉर्ड खुद का तोड़ दिया खुद ही हैदराबाद ने। तो बाबू ने अपना काम कर दिया और हम लोगों ने अपना काम कर दिया। पूरा कुछ पति के अंदर गुण होता है, एक भूपति, एक गुरु होता है, एक ताना मारने वाला था। गाना बजाओ। ओ गाना गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, अभी बराबर से मैं चल रहा हूँ डिमो। एक्चुअली हमारे जो बड़ी बुआ है वो अभी घर जा रही है अपना, तो उनको छोड़ने के लिए जा रहे हैं। गाड़ी पकड़ाएंगे डिमो से जोखलाबंदा के लिए, तो इसलिए अब बराबर से निकल रहा हूँ मैं, क्योंकि सुबह का टाइम है, देर हो जाएगा तो फिर गाड़ी नहीं मिलेगा। नहीं, मैं डे सुपर जो होता है डे सुपर में बैठा देंगे बुआ को। इसलिए हम लोग निकल चुके हैं। बुआ इधर देखे, इतना साल हो गया शादी का, 30-40 साल तो भी रोती है घर से जाने पर। हाँ, रो रही है। देखिए घर से जाने में, एक्चुअली अपना घर छोड़ के जाने में रोना मतलब आ ही जाता है। अपना घर तो अपना घर होता है ना। और ये भी जा रहा है, तुम जा रहा है जय? हाँ, मैं जाऊंगा। क्यों? मैं जाऊंगा। तुमको यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था? नहीं। हाँ? नहीं, नहीं लगा। अच्छा, नहीं। फिर आएगा कि नहीं? आएगा। ठीक है, आना। ठीक है, छोड़ के आते फटाफट से डिमो से। आके पहुंच गए डिमो, और थोड़ा देर यहाँ पे वेट करना पड़ेगा क्योंकि बस अभी तक आया नहीं है। बस आएगा फिर ही निकल पाएंगे। जैसे बस आता है फिर चढ़ा के फिर घर निकलेंगे। ब्रेकफास्ट भी नहीं किया मैं, एक्चुअली घर पे जाके ब्रेकफास्ट करूंगा। बस मैं चढ़ा दिया बुआ को, और जोरहाट तक का गाड़ी मेरा नौगांव का नहीं मिला। एक्चुअली नौगांव का गाड़ी पकड़ा देंगे बोले हैं भैया, जो ड्राइवर भैया है पकड़ा देंगे। जैसे बुआ गई हम लोग भी निकल रहे हैं घर के लिए। तो बाय बाय बुआ, और हम लोग चलते हैं घर। और देखिए बाबू कांड कर दिया यहाँ पे, इसने करवाया कांड, तुमने करवाया है। क्यों करवाई है? मैं नहीं करवाई हूँ। पकड़ो इसको, मेरे साइड में जानबूझ के मेरे साइड में करवाई है। मैं रोज बिठाती हूँ, वो नहीं। हाँ। वो पेशाब करती है तो मेरे साइड में। तुम जानबूझ के करवाई हो, पता है? आज मेरे साइड में कराई है। मम्मी कराई है। हाँ, मम्मी को बोलता हूँ रुको। हाँ। मम्मी के नाम लगा रही है, खुद करवाई है। तो बाबू ने अपना काम कर दिया और हम लोगों ने अपना काम कर दिया। पूरा डाल दिया, काम बढ़ा देती हूँ। सूख जाएगा एक्चुअली, थोड़ा पानी पानी अच्छा हो जाएगा। ऐसे डालना भी चाहिए बीच बीच में, भाभी बीच में डालने से सही रहता है। मैं और बुआ बैठ के मस्त इधर हम लोग का जो है सीहोर वाला ब्लॉग जो है वो देख रहे हैं। इधर बैठ के ये चल रहा है, देखिए पूरा आरती चल रहा है। तो हम दोनों बुआ भतीजा बैठ के भी देख रहे हैं सारा चीज़। मतलब अच्छा लग रहा है, ऐसा एक्सपीरियंस मतलब जो किया रहता है ना, वो फिर रिवाइंड करने में एक अलग ही मजा है। और इधर हमारे लिए बना रही है फ्राइड राइस। क्या बना रही हो? फ्राइड राइस। राइस को फ्राई कर रहे हैं रंग बिरंगी सब्जियों के साथ। दो पैकेट गरम मसाला फिर खाते अच्छा लग रहा है। अब कोई मसाला है नहीं तो गरम मसाला ही काम कर रहा है, क्या करें। गरम मसाला खा खा के दिमाग गरम हो गया है। गरम नहीं हुआ, ठीक है, अच्छा ही हुआ। कल एक्चुअली सब्जी का इतना तारीफ हो रहा है, सुबह तक तारीफ ही हो रहा है, सब तारीफ का बुंदी बांध रहे। मैं क्या करूँ, मैं अच्छा बनाता हूँ, इसलिए मैं बोली ना कि आप ही बना दो ना सब्जी हर टाइम का। की बनाओ, चलो जल्दी खाना बनाओ। एक्चुअली लंच ये बना रही है अभी हम लोग का रेडी करिए, मेरा अनीस और मनीषा, क्योंकि हम लोग तो चावल और दाल और सब्जी तो खा के नहीं जी सकते, तो हम लोग के लिए फ्राइड राइस सब बन रहा है तो मस्त बन जाता है, तो जल्दी से खाते हैं। एक्चुअली लंच नहीं किया, बहुत देर हो गया, 3 बजने का मस्त फ्राइड राइस बन गया इधर। और सॉस अभी अपना लेके आ गए, बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है, बहुत ही मस्त बना है। मुझे ऐसा देख के लगा कि रेस्टोरेंट टाइप का है, पता है? ओहो, थोड़ा सा तारीफ करते हैं, बहुत ज्यादा चढ़ जाती है, क्या करूँ। जल्दी से खा लेते हैं, भूख भी लग चुका है। टकलू क्या कर रहे? टकलू गाना बजाओ। ओ गाना बजा दिया टकलू, टकलू गाना बजा दिया। टकलू 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 अभी हम लोग चल रहे हैं डिमो। एक्चुअली प्रसाद लाना है, कल हम लोग का घर में पूजा है नवरात्रि का, तो जाके लेके आते हैं। एक्चुअली स्कूटी से ही निकल रहे हैं शाम को, मतलब थोड़ा हवा खाने का मन कर गया हम लोगों का, तो स्कूटी से निकल गए। तो जल्दी से सारा कुछ लेके आते हैं डिमो से। पहुंच गए डिमो एक्चुअली बाजार के अंदर, और हम लोग बाजार तक आना नहीं चाह रहे थे क्योंकि हेलमेट नहीं था हम लोग, है कि नहीं? हेलमेट नहीं था तो आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उपाय नहीं है, आगे लेना ही आना ही पड़ा, मतलब उधर कुछ नहीं मिला तो ले लेते फटाफट से। यहाँ से नारियल लेना है, कोला लेना है, तो जल्दी से ले लेते हैं। बाजार से निकल गए, और बाजार से सिर्फ हम लोग क्या मिला मैंने? नारियल और कुछ नहीं मिला, क्योंकि बाजार पूरा बंद ही है, व्यू का सीजन है, इससे सारा कुछ बंद है एक्चुअली। तो अभी चल रहे हैं होटल में, जाना पड़ेगा एक्चुअली, होटल से दो तीन मिठाई लेना। लोग आ गए बिना होटल में, और यहाँ से एक्चुअली प्रसाद के लिए मिठाई वगैरह भी लेना है, और हम लोग तो लहसुन प्याज नहीं खा सकते हैं, तो अभी खा रहे हैं इधर रसमलाई, इसको भी खाना पड़ रहा है बेचारे को। खाने का तो मन कर रहा है तुम्हारा, इसके समोसा का जुड़े खाने का मन कर रहा है, लेकिन रसमलाई, लेकिन रसमलाई खाना पड़ा, लेकिन क्या करें, उपाय नहीं, लहसुन प्याज नहीं खा सकते ना, इस वजह से वही खाएंगे। और प्राउड से हम मिठाई लेंगे फिर घर चलेंगे। पानी पिएगी, पानी पियो, पानी पियो। हाँ यार क्या हो गया? सब फेंक दे रही है। क्या कर रही है? तो डिनर बनाने लगी हुई है, क्या क्या बना दिया?
चना लौकी का सब्जी और रोटी। देखिए तो सारा रोटी बना दी है, सब्जी बन गया, सब्जी बन गया, सब्जी बन गया, लेकिन मेरा पसंद का सब्जी नहीं बना है। कल से बनेगा ना सब्जी हम लोग घर पे? नहीं, लहसुन परसों से, अभी और एक दिन है, और एक दिन के बाद हम लोग लहसुन प्याज खा पाएंगे। मतलब ऐसा हो गया ना, ऐसा लग रहा है कि अभी जमाने में लहसुन प्याज खाया ही नहीं हूँ, ऐसा लग रहा है। सच में बहुत दिनों से हम लोग, पूरा सालों साल से हम लोग हमेशा ऐसे ही खाते हैं, ऐसा लग रहा है। सच में दिमाग खराब हो जा रहा है। सोचू ना, अलग टाइप का सब्जी बना दूंगी, उसी को आपके स्टाइल में बना दो। कल का मैंने कुछ सीखा है, आपसे ज्ञान लिया है, तो आज मेरे फ्राइड राइस मेरे से ज्ञान लिया, क्योंकि इसको सब्जी बनाना नहीं आता, मैं सिखाता हूँ इसको। देखिए आज भी मैं सिखा रहा हूँ, इसका जो मम्मी का काम है वो मैं कर रहा हूँ। पति के गुरु होते हैं ना, सब कुछ पति के अंदर गुण होता है, एक पति एक गुरु होता है, एक ताना मारने वाला, सब कुछ जल्दी जल्दी बनाओ, भूख लगा। तो इनका इसे सीख के मैंने आज फ्राइड राइस बनाया, तो इनको अच्छा लगा, और फिर मैं इनके लिए सब्जी भी बनाऊंगी, देखती हूँ कैसा लगता है। ओके ओके। हैदराबाद और बेंगलुरु का बहुत ही खतरनाक मैच हो रहा है, देखिए कैसा छक्का पिटाया जा रहा है, बहुत ही खतरनाक छक्का, बॉल पार हो गया ग्राउंड से बाहर, 106 मीटर ना, 106 मीटर, देखिए पार, स्कोर हो गया देखिए 223 16 ओवर में, अभी भी ओवर बाकी है, खतरनाक मैच है इसको। देखिए ये बदमाशी कर रही है, ढक लो, बजाओ एक बार बजाओ, हाँ गाना बजाने जानती है, बहुत बदमाश है। यस मिच, और रिकॉर्ड खुद का तोड़ दिया खुद ही हैदराबाद ने, और 27 डिनर करके आ गए सोने के लिए। और आज एक्चुअली बेंगलोर और हैदराबाद का मैच हो रहा था, और मैं बेंगलोर का सपोर्ट कर रहा था, लेकिन बेंगलोर हार गया। लेकिन पारी हुआ ना 83 जो खेला है ना दिनेश कार्तिक ने, मतलब मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया बैटिंग, मतलब आरसीबी को सपोर्ट कर रहा था तो जीत जाता तो कुछ ज्यादा ऐसा लगता। हाँ वो हारा हुआ टीम में हमेशा हारता है, क्या मुझे पसंद है बैंगलोर, तुम ज्यादा बोलती है, इसीलिए तो पसंद है मुझे। क्यों विराट कोहली पसंद नहीं है, क्या बात करती है, होंगे सबका, मुझे पता नहीं क्यों, मेरा पता नहीं क्यों मुझे बैंगलोर भी पसंद नहीं है, ठीक है। और मुझे वो चेन्नई पसंद है, जो कि कल वो मेरा फेवरेट है, मेरा फेवरेट है, कल जीता था चेन्नई, चेन्नई पसंद करता हूँ धोनी भाई के लिए, और बैंगलोर पसंद करता हूँ ओनली फॉर विराट कोहली। लेकिन आज दिनेश कार्तिक ने इतना अच्छा खेल दिखाया ना, बहुत अच्छा लगा खेल देख के। और इसका क्या, इसको तो कुछ पता भी नहीं है कौन सा प्लेयर कहाँ खेल रहा है, क्या बात है, कुछ नॉलेज नहीं है, ऐसे तो कामें बोलती रहती है, बस धोनी को पसंद आता है, बस धोनी सीएसके सीएस, इसका बात कोई वैल्यू ही नहीं होता। हाँ क्या वैल्यू, सबका अपना अपना खुद का वो है पर्सनल लिबर्टी, ओके, मेरा खुद का वो है कि मेरा चॉइस है, मुझे क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगता होगा, लेकिन तुमको कुछ समझ नहीं है, कौन सा प्लेयर है बताओ तो धोनी वाला टीम में, कौन सा है बताओ, कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है, बॉलर कितना है, बैट्समैन कौन सा है, वरुण धवन, कुछ भी, मतलब कुछ भी बोलेगी इसको, इसका बाद में दिमाग खराब कर देगी, ऐसे आरसीबी हार गया दिमाग खराब और दिमाग खराब कर देगी। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ, आई होप आज का वीडियो आप लोग पसंद आएगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, साथ में बेल आइकन को दबाएगा ताकि आपको रोज अपकमिंग वीडियोस नोटिफिकेशन मिलते हैं। मिलते हैं कल सुबह फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू सो मच, टाटा बाय, सी यू टुमारो, बाय बाय, गुड नाइट। वरुण धवन खेल रहा है और सिर्फ जडेजा खेल रहा है, और धोनी तीन प्लेयर से पूरा मतलब चेन्नई का टीम, कुछ भी बोलती हो यार तुम, कुछ भी बोलती हो, और भी बहुत कोई नहीं पता है तो क्यों जबरदस्ती कर रही यार, जब समझ रहा तो इसका बाद में दिमाग खराब कर दे।